एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्क्रीन पे आप एज यूजुअल मेरे बाल देख सकते हैं और इससे आप समझ गए होंगे कि मैं आज आपके साथ एक बालों को काला करने का नुस्खा लेकर आई हूँ। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का ये जो मेथड है ये काफ़ी इंस्टेंटली हम लोग करेंगे और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बाल आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे काले लग रहे हैं, रूट्स स्पेशली आपको एकदम काले लग रहे होंगे। अब ये तो हो गया आफ्टर रिजल्ट कि कितना अच्छा रिजल्ट आया इस हेयर पैक का। अब मैं आपको दिखाती हूँ बिफोर रिजल्ट। ये है बिफोर, इस तरह के बाल थे देख सकते हैं, बीच बीच से रूट्स, और मैंने काफ़ी दिन से जानबूझकर अपने बालों पे हिना अप्लाई नहीं किया है जिससे कि मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर का फुल प्रूफ दे सकूं। और इस तरह से अगर आपके भी बाल हैं तो आप भी मेथड ट्राई कर सकते हैं। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार किया और आपके बालों पे कलर नहीं आया तो आप उसको गिव अप कर दोगे। अगर हम पहले से केमिकल हेयर डाइज अपने बालों पे लगाते हैं तो कई बार नेचुरल हेयर पैक कलर देने में टाइम लेता है, लेकिन आपको रिजल्ट मिलता ज़रूर है। और आप मेरे बालों की कंडीशन इस टाइम देख सकते हैं, बुरी तरह बीच बीच में से वाइट हो चुके हैं। तो चलो, ये है हेयर पैक जिसको कि हम बहुत इजीली बनाएंगे। कोई रात को आपको इसको भिगो के नहीं रखना है, कोई ऐसा नहीं कि ओवरनाइट के लिए सोक करके रखना है और झंझट है, इंस्टेंटली बनाएंगे और झटपट से लगाएंगे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है बोल में इंडिगो पाउडर, 3 चम्मच मैं यहाँ पे इंडिगो पाउडर ले रही हूँ। मुझे सिर्फ अपने रूट्स को कवर करना है, इसे ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। और एक्चुअली ये देखना भी चाहती हूँ कि इंस्टेंट मेथड कितना यूज़फुल है। साथ में डाल रही हूँ 1 चम्मच ही कत्था पाउडर, इजीली मिल जाता है, और उसके साथ डाला है मैंने 1.5 चम्मच हिना पाउडर। बस इन 3 चीज़ों को मिक्स करेंगे, इंडिगो लिया, कत्था पाउडर लिया और नॉर्मल मेहंदी डाली 1.5 चम्मच। अब इसको मिक्स करने के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ आपको इसको एक घोल तैयार कर लेना है। पानी बहुत ज़्यादा गर्म मत डालिएगा और बिल्कुल ठंडा भी नहीं डालिएगा। हल्के गुनगुने पानी के साथ हम इसका एक हेयर पैक तैयार करेंगे। और इस हेयर पैक को जिस तरह से मैंने आपको बाल दिखाए हैं, रूट से एकदम सफ़ेद बाल आप अप्लाई कर सकते हो। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, नेचुरल मेथड्स हैं, कई बार टाइम लगता है लेकिन असर देते हैं। और अगर आप पहले से मेहंदी लगाते आ रहे हो, मान लीजिए आपने 20-25 दिन पहले मेहंदी लगाई थी, मेहंदी या इंडिगो लगाया था, और 15 दिन के बाद आपको लगता है कि रूट से फिर थोड़े से वाइट होने लग गए हैं, तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। बीच बीच में आपको रूट्स को अगर टचअप करना है तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। ये हो गया, अब इसको डायरेक्टली बालों पे लगा लेते हैं। बाल अभी भी देख लीजिए जिस तरह से मैंने आपको पहले दिखाए हैं, बिल्कुल उसी तरह से है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पहले आप कलर लगा लिया और उसके बाद मैं ये अप्लाई करूँगी। आपको भी पता है कि मैं मार्केट के हेयर कलर्स नहीं यूज़ करती हूँ, और हेयर कलर ना यूज़ करने की वजह भी एक रीज़न है कि मेरे बालों पे कलर ये इंस्टेंटली देता भी है, मेहंदी और इंडिगो, क्योंकि मैं सिर्फ यही लगाती हूँ। तो बस अब ये आपने देख लिए बाल, मैं अप्लाई कर लेती हूँ। इस तरह मैंने सिर्फ रूट्स को टचअप दिया है, रूट्स को कवर किया है, बाकी बालों पर कुछ नहीं किया है। तो चलो बाकी बालों का बन बना लेते हैं। और बन बनाकर आप इसको कवर कर लो। आप इसको 1.5 से 2 घंटे छोड़िएगा, उसके बाद नॉर्मल पानी से हेयर वॉश कर लो, शैम्पू मत करना। और मुझे रिजल्ट मिला है ये, मेरे बाल इंस्टेंटली अच्छे तरह से काले हुए हैं, रूट से टचअप जो आप कह सकते हो वो अच्छी तरह से हो गए हैं, और इतना तो हो गए हैं कि एटलीस्ट 15 दिन तक ये चल सकता है। तो आप भी इस नुस्खे को ट्राई कर सकते हो। थोड़े बहुत बीच में बाल वाइट हैं जैसे कि मैंने आपको अपने स्टार्टिंग में दिखाए थे, तो अच्छा मेथड है, ट्राई करो। और शैम्पू 48 घंटे के बाद करिएगा, तेल ज़रूर लगाइएगा शैम्पू करने से पहले, और सिर्फ पानी से ही फिलहाल धोना है। और मेहंदी और इंडिगो से मेरे बाल कभी भी ड्राई आउट नहीं होते। अगर होते हैं आपके तो मैं बहुत सारे आपके साथ हेयर पैक शेयर करती हूँ रेगुलर, वो भी अप्लाई कर सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।